क्या आपने कभी सोचा है कि देश में पहली FIR कब दर्ज कराएगी और किसने क्यों और कहां दर्ज कराई? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में हम सब जानते हैं। जब कोई अपराध होता है तो पुलिस उसे लिखित रूप में दर्ज करती है। इसमें अपराध से जुड़ा पूरा ब्यौरा दिया जाता है, जैसे पीड़ित और आरोपी कौन है, अपराध क्या है, वगैरह वगैरह। यूं तो हर रोज देश भर में हजारों FIR दर्ज होती है, मगर क्या आप जानते हैं कि देश में पहली FIR कब और किसने दर्ज कराई थी और उस वक्त कौन सी आपराधिक वारदात हुई? दिल्ली पुलिस ने 18 अक्टूबर 1861 में यानी आज से 160 साल पहले पुलिस एक्ट के तहत अपनी पहली FIR दर्ज की थी। ये रिपोर्ट एक चोरी की घटना के बारे में थी, जिसे उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। भारतीय पुलिस एक्ट 1861 के लागू होने के बाद ये पहली FIR थी। इसे उर्दू में लिखा गया था। रिकॉर्ड के अनुसार 1861 में दिल्ली में सिर्फ 5 पुलिस स्टेशन ही थे और सब्जी मंडी उनमें से एक थी। 4 दूसरे पुलिस स्टेशन मुंडका, महरौली, कोतवाली और सदर बाजार थे। पहली FIR कटरा शीशा महल के रहने वाले मोइनुद्दीन वल्द मोहम्मद यार खान ने दिल्ली के सब्जी मंडी थाने में दर्ज कराई थी। ये FIR हुक्का, बर्तन और कुल्फी जैसी चीजों की चोरी के आरोप में दर्ज कराई थी। पुलिस ने उर्दू में लिखी इस FIR का ट्रांसलेट कराया, जिसके मुताबिक शिकायत करने वाले के घर से खाना पकाने के 3 बड़े बर्तन, 3 छोटे बर्तन, 1 कटोरा, 1 कुल्फी, 1 हुक्का और महिलाओं के कुछ कपड़े चोरी हुए थे। कुल चोरी हुए सामान की कीमत 45 आने यानी 2.81 रुपए थी। दिल्ली पुलिस के जरिए ट्वीट की गई FIR की कॉपी को आप GTB नगर के किंग्सवे कैंप रोड पर बने पुलिस म्यूजियम में देख सकते हैं।